बरसाएंगे जेसीबी से। नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और पहुंचे हैं सेक्टर 48 हनुमान मंदिर। आज यहां पर बड़ा प्रोग्राम है विजय प्रताप का और ये जेसीबी आप देख सकते हैं, जेसीबी खड़ी है, फूल रखे हैं इसमें और फूलों से बारिश होगी। हालांकि थोड़ा टाइम हो गया, बहुत देर वेट करते करते, क्यों जी? मेरे बोलने में दिक्कत है। बोलने में दिक्कत है, कोई नहीं, जिनको दिक्कत नहीं उनसे बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या कहेंगे, बड़ा प्रोग्राम है, विजय प्रताप पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। भाई विजय प्रताप जी अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और विजय प्रताप जी जैसा कि भड़कल विधानसभा में बहुत लोकप्रिय नेता हैं, आप सभी लोग उनसे परिचित हैं, वो बड़ी साफ छवि के नेता हैं और भड़कल की हवा इस बार कांग्रेस को वोट देने जा रही है और भारी मतों से, मैं कह रहा हूं दोबारा आपको, भारी मतों से इस बार कांग्रेस भड़कल विधानसभा 87 में आने वाली है। और आप स्लोगन चल रहा है विजय की ओर भड़कल, तो क्या वो सही साबित होने वाला है? 100% इस बार सारे लोग विजय को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस आने वाली है और भड़कल विधानसभा में इस बार मोहर लगेगी तो पंजे पे लगेगी। कार्यक्रम के आयोजक है नितेश भटाना हमारे साथ। सर भाई ठीक हो? ठीक है, आप बताइए। बढ़िया कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम कर दिया भाई। कार्यक्रम इसलिए कराया कि हमारे नेताजी हैं वो बड़े नेता हैं। बड़े नेता हैं, हाँ, उनके लिए कार्यक्रम बड़ा ही करना पड़ता है। तो बड़े बनने वाले हैं, विधायक बनेंगे, बड़े ही हैं हमारी नजर में, बड़े ही हो गए हैं वो। अच्छा। उन्होंने जब लोकसभा में पूरे ताबड़तोड़ जो प्रचार करे ना, उनसे हमें बड़े, उन्हें प्रेरणा मिलती है, उनके संघर्ष को हम देखते हैं लोकसभा में। तो आपकी मतलब आपकी टीम पूरी उधर दूसरी तरफ थी, बीजेपी की तरफ। हमारा मत है, हम कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात ना, बंधु मजदूर किसी के नहीं है भैया। मतलब बदल गया, मत बदल गया, हमारा विचारधारा कैंडिडेट के हिसाब से बदला है पार्टी। कैंडिडेट हमारा जो भ्रष्टाचारी कैंडिडेट आ गया ना, हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब हम अपने जो हमारे सही कैंडिडेट नहीं चुना पार्टी ने, जो है बहुत ही गलत कैंडिडेट चुना है और पार्टी ने ये गलत करा है, इसमें कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है। आरोप है 200 करोड़ घोटाले का, आरोप है नगर निगम में फाइलें जलाने का, आरोप है फार्मेसी का, एफआईआर दर्ज है उस पे। हम कानून से बड़े तो नहीं है ना। आपका कहना ये है कि पार्टी अगर किसी गलत को चुनेगी तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे? हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अच्छे आदमी को सपोर्ट करेंगे, स्वाभिमानी आदमी को सपोर्ट करेंगे, हम भाई विजय प्रताप को सपोर्ट करेंगे और थोक के सपोर्ट करेंगे। फरीदाबाद पार्टी ही केवल, ऐसा नहीं है कि पार्टी किसी गलत आदमी को चुन लेती है तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे, पार्टी अगर अच्छा आदमी को चुनेगी तो लोग सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के लोग थे बीजेपी में अब, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही अपना कैंडिडेट बदला तो ये लोग विजय प्रताप की और इन्होंने रुख कर लिया है। और प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, कार्यक्रम की तरफ। हाँ जी राम जी, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है गोलू कटारिया। गोलू कटारिया? हाँ जी। गोभी कटारिया? गोलू कटारिया। आपको कल देखा था हमने, अग्रवाल स्कूल पे देखा था आपको कल। ताबड़तोड़ प्रोग्राम चल रहे हैं विजय भाई? ताबड़तोड़ प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। विजय प्रताप जी का स्वागत के लिए हम खड़े हैं बहुत देर से, बस वो आपसे 2 मिनट बाद आने वाले हैं। 2 मिनट में आने वाले हैं? बिल्कुल। तो बस इस बार भड़कल में विजय प्रताप जी की पक्की जीत है इस बार। जी मोहर लगा दें? मोहर लगा दो आप, विजय प्रताप जी आएंगे इस बार। और गोलू कटारिया हमारे साथ, विजय प्रताप की जीत पर मोहर लगा दी है। और युवा साथी कुछ खड़े हैं हमारे साथ। हाँ जी, मैन मुखिया, क्या नाम है भाई? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, हाँ जी, विजय प्रताप कुछ देर में आने वाले हैं। प्रताप भाई पा रहे हैं? पा रहे हैं। हाँ जी, कल का माहौल पूरा एक तरफा एक तरफा एक तरफा एकदम। विजय भाई, विजय की ओर भड़कल सही साबित हो रहा है? हाँ एकदम, विजय भाई पा रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है? क्या नाम है? राज। राज, क्या कर रहे हो आज? यहाँ आज हम आए विजय प्रताप के लिए। हाँ जी, बार विजय प्रताप को विजय की ओर ले जा रहे हो? हाँ जी, विजय प्रताप को ही जिताएंगे। हाँ, बीजेपी 10 साल में रही, क्या काम हुए एसडीएम नगर में? अभी तक बीजेपी हुई तो कुछ काम ही नहीं हुए, तभी तो विजय प्रताप को जिताएंगे तो काम हुए। पूरा 48 का हम सामने देख रहे हैं, पूरा ग्राउंड यहाँ पर पानी भरा हुआ, गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है, गोबर है, मतलब इतने बुरे हालात है, कोई काम नहीं। बीजेपी की सरकार है, कोई काम नहीं हुआ यहाँ। विजय कह रहे हैं 3 महीने में काया पलट कर दूंगा। विजय भाई करवाएंगे काम, कह रहे हैं। और एक उम्मीद है लोगों को विजय प्रताप से। चलते हैं कार्यक्रम की ओर। मुकेश जी हमारे साथ है, मुकेश जी क्या कहेंगे इस बार, बीजेपी या कांग्रेस, आपको क्या लगता है? माहौल पूरा एकदम विजय प्रताप के पक्ष में है और हमारे एसडीएम नगर में तो ये माहौल हो गया, ऐसे बीजे लेवल के बस्ता लेवा कोई नहीं बचा, सिर्फ बीजेपी का। हाँ, सिर्फ 2 पदाधिकारी बच गए हैं हमारे, एक करमवीर जी और एक सतेंद्र जी, इनके अलावा तो कोई बचा नहीं है पूरे एसडीएम नगर में, ऐसा माहौल चेंज हुआ है। 4 पिलर भी नहीं रहे, 2 रह गए बस। अब तो 2 ही पिलर रह गए कॉलोनी में, तो इनका नामो निशान नहीं होगा, इनके वोट भी गिने चुनाएंगे। सैंकड़ा का सैंकड़ा पार कर जाए वो बड़ी बात है कॉलोनी में हमारे। जीत होने वाली है विजय प्रताप की इस बार, है बड़ी जीत की तरफ। बड़ी जीत होने वाली है विजय भाई की।
बड़ी जीत की ओर विजय प्रताप, बड़ी जीत की ओर विजय प्रताप। और ये देख सकते हैं कार्यक्रम में हम आ चुके हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम एसडीएम नगर सेक्टर 48 में मंदिर के साथ। क्या हाल है जी? और जी क्या कहोगे, तंवर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बस जी अब की बार विजय भाई को पार लगाना है और जनता ने भी ठान लिया कि अब की बार विजय भाई बड़कल विधानसभा से विजय की तरफ। स्लोगन चल रहा है विजय की ओर बड़कल, वो सही साबित हो रहा है। ये विजय भाई की विजय नहीं है, जनता की विजय है। ये इलेक्शन जनता लड़ रही है, विजय भाई नहीं। कि अभी आपने देखा कि पूरा माहौल बना पड़ा, हर जगह हुजूम जुड़ा पड़ा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। जो सीमा की टिकट कटी उससे माहौल बदला है या पहले से माहौल? माहौल तो पहले से बना हुआ था, अगर सीमा को टिकट मिलती भी तो हो सकता है इससे ज्यादा और देखने को मिलता आपको प्रभाव। लोग इतने हताश है, इतने निराश है सीमा जी से, पड़कल विधानसभा में क्या काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ, पूरा आगे पानी भरा हुआ है आगे। हमने सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ पानी गोबर इसमें इतना, मतलब बीमारियों की जड़ है। माहौल कहने की बात ही नहीं, इतना माहौल खराब हो चुका है कि आप किसी नाली गड्ढे देखो, गलियों में निकल जाओ, आप किसी गली से नहीं निकल सकते प्रॉपर तरीके से, इतने सीवरों के गड्ढे खुले पड़े हैं हर जगह। सीवर के जो है सीवर बह रहा है। जनता ने ये मन बना लिया है अगली बार कि टिकट किसी को भी मिल जाती बीजेपी की तरफ से, फिर भी विजय प्रताप भाई को रोकने वाला कोई नहीं है। आंधी इस टाइम जो है, विजय की आंधी चल रही है और एसडीएम नगर देखें एक बार तमाम, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इतनी रात तक भी रुके हुए हैं विजय के लिए केवल। हाँ जी, क्या नाम है? सोनू मोर। मोर बड़े भाई, क्या कहोगे? गौर साहब एक छोटी सी एक बात कहना चाहते हैं। भाई परवीन भाई, आप एक बात बताओ, हम उसको वोट क्यों दे जो अपना वोट खुद यहाँ नहीं डाल सकता? हाँ जी, हमारी कैंडिडेट को वोट नहीं दोगे? उसको वोट हम किस तरीके से दे, वो खुद अपना वोट डाल सकता अपनी जीत के लिए वो यहाँ? तो हमारा हमसे किस बात से भी वोट मांग रहा, किस मतलब से वोट मांग रहा, हमसे किस उम्मीद से वोट मांग रहा? अपनी जीत के लिए अपना वोट तो जरूरी होता है, तो उसको वोट तो वो नहीं डाल सकता, फिर हम कैसे दे अपनी वोट ना? एक बात देखो, हम यहाँ पे कबड्डियां भी करवाते हैं, तेसर ग्राउंड का मेला भी लगवाते हैं, खेल के लिए मैदान बनाया था, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत हो गई, हम पानी, गंदा पानी, सीवर गोबर पूरा भरा हुआ है। जैसे आटा छानते हैं ना, उसमें भी छने 8 मिनट लगता है। कोई टूर्नामेंट भी करवाया था कुछ दिन पहले? दो टूर्नामेंट करवाने वाला मैं खुद हूँ, दो टूर्नामेंट हुए थे उन्होंने कराने वाला खुद हूँ। हर टूर्नामेंट करवाते हैं, तो एक टूर्नामेंट करवाने का सफाई सफाई का खर्चा 35 से 40 हज़ार रुपये होता है जी, और उसके बाद फिर ऐसे कई बार दरकार जो हमारी सीमा त्रिखा जी रही थी, कई बार वहाँ पे भी बोल के आए, हर जगह बोल के आए, कोई सुनवाई नहीं। तो फिर अब हार के गंदगी को लेकर नगर निगम पर जुर्माना भी लगाया एनजीटी ने, लेकिन कोई सुधार नहीं मिला। पूरा साथ दिया जाता है, जब बिना अगर असली वाला जुर्माना लगे तो कोई डाल देगा? कोई हमसे कोई पन्नी डालने से रोकता है, हम जुर्माना लगा पन्नी डाल देंगे? सरकार सख्त नहीं है, झिक लिए जी, बिल्कुल झिक लिए। जब जाके हमने भाई विजय का हाथ पकड़ा और बिल्कुल पारी करके मानेंगे। फरीदाबाद लोग जो 10 साल के शासनकाल से, बीजेपी के शासनकाल से झिक चुके हैं और इस बार बदलाव चाहते हैं पूरी तरह से। बड़कल विधानसभा क्षेत्र में लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब? राजीव शर्मा नाम है जी, राजीव शर्मा नाम है। रहेगा इस बार बड़कल में? अब बैठे हैं विजय प्रताप के, देर रात तक बैठे हैं, क्या रहेगा भाई? मंच पे चल ही रहा है, वो ही रहेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनका क्या रहेगा? वापिस जाएंगे जी, वो वापिस जाएंगे कैंडिडेट। सेक्टर 9 से आते हैं, सेक्टर 9 वापिस जाएंगे। क्या कह रहे हो? सेक्टर 9 से आए हैं, सेक्टर 9 वापिस जाएंगे, तो सेक्टर 9 में रहेंगे, यहाँ कोई मतलब नहीं उनका, जिनकी टिकट यहाँ पे नहीं उनको मतलब ही क्या है। सुना था उसका पहले नाम? सुना आपने? मैंने कभी नहीं सुना जी। सुना है तो भ्रष्ट में सुना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये फरीदाबाद देख सकते हैं, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं, ये काफी देर से जिसको इस पर्दे से ढक दिया गया है। कैसे, कौन जी, किसे जिता रहे हो? विकास दिखाई देता है महेंद्र प्रताप जी को। हाँ जी, हमें हमारी कॉलोनी पक्की चाहिए सर। हाँ, तो फिर आप सब लोग जानते हैं कि कॉलोनी पक्की होगी तभी हम बाकी कॉलेज वगैरह जब मांगेंगे तब हमारी कॉलोनी पक्की बात करें। उसके बाद हम तो आज हमारे कांग्रेस में कॉलोनी पक्की चाहिए जो प्रत्याशी आए हैं हमारे, जब हमारा रहने का ठिकाना होगा तभी तो आगे कुछ होगा, जब रहने का ठिकाना ही नहीं है तो फिर आगे क्या मांगे? फरीदाबाद में हुए 10 साल में बीजेपी ने काम करे, लंबे अरसे तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया सर, काम किया है। अब इनको देखे थे क्या करते हैं, वो ऐसे बेदाग सभी के नेता रहे, कोई काम नहीं करे और 10 साल के अभी। हाँ जी, क्या कहोगे? चुनावों में आपने देखा, पहले बनेगा फिर काम करेगा, लास्ट में टिकट जो पहले बनाओ तो सही, नहीं तो काम करेगा, पहले करवा लगे
क्यों हुई? पहले बनाएंगे, रिकॉर्ड करवाएंगे, फरीदाबाद में पहले बनाएंगे, फरीदाबाद को फिर काम करवाएंगे। व्यक्तित्व खड़ा करना था, देखते हैं जो यूं कहते थे मंचों से कि हम 10 लाख से जीतेंगे और जाएंगे भी नहीं। प्रधान यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन आप सबने देखा आपके सहयोग से वो करप्शन पाल घुटनों के बल चले और मात्र 1.5 लाख से। यदि कुछ लोगों ने आओ एक बार बात करते हैं तब लोगों से, तो आज फरीदाबाद लखपत अपने ओजस्वी विचारों से हर सभा को। गौड़ साहब है हमारे साथ, गौड़ साहब नमस्कार। बड़ी सभा रात 10 बजे तक भी लोग रुके हुए हैं, विजय प्रताप आने वाले हैं। देखिए इसको कहते हैं लोगों का प्यार, विजय प्रताप जी के लोगों को कितना प्यार है, जो कि 8 बजे से लोग यहाँ बैठे हैं, 9:30-10 बजने वाले हैं। ये एक तरह की आंधी चल रही है विजय प्रताप जी के नाम की। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं बताने क्रम में इतने हो रहे हैं, लेट पे लेट होते जा रहे हैं। लोगों का प्यार है, एक दूसरा प्रत्याशी है जिसको की मीटिंग कराने के लिए भी लोग ढूंढने पड़ रहे हैं, लोग मीटिंग नहीं करा रहे। एक हमारे प्रत्याशी हैं कि जिन्हें मीटिंग लेने के लिए हम परेशान हैं, लेकिन मीटिंग नहीं मिल पा रही है, वो इतने व्यस्त हैं, लोग इतना चाह रहे हैं उनको। मैं खुद 10 मीटिंग उनसे लेना चाह रहा हूं, लेकिन ले नहीं पा रहा हूं समय के अभाव की वजह से। लोगों को समय नहीं मिल रहा है, मीटिंग लोग इतनी मीटिंग से मीटिंग ले रहे हैं और समय नहीं है। भाटी साहब हमारे साथ, भाटी साहब क्या कहेंगे इस बार? हम जी भाई साहब के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रही है पब्लिक और काफी देर हो गई, 2 घंटे करीब बैठे हुए पब्लिक को। हम भाई साहब के लिए दिन रात पूरी टीम गली गली में, बड़ा प्रोग्राम भी आपने 33 फुट रोड पे किया था। 33 फुट पे बहुत बड़ा प्रोग्राम, भाई साहब लेट हो गए थे उसमें 2.5 से 3 घंटे, 3-4 घंटे पब्लिक रो कर आपने। हाँ देखो जी, ये प्यार है भाई साहब के लिए, प्यार है ये पब्लिक जो है भाई साहब से बहुत प्यार करती है और बहुत अच्छा वोट देगी पब्लिक, और मात शक्ति भी बहुत अच्छे साथ देगी। हम तो भाई साहब के लिए दिन रात लगे हुए हैं, हमारी टीम ओम प्रकाश गौड़ भाई साहब की टीम, जितनी भी टीम हमारी सब साथ है, और हम जो भाई साहब को बहुत भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो प्रोग्राम हमारे युवा साथी नितेश भड़ाना और उनकी टीम ने किया है, वाकई बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने। ये इनकी पूरी टीम भी धन्यवाद के पात्र है, मतलब उत्साह देखते ही बनता है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या माताएं बहनें, सब एक तरीके से टूटी पड़ी है कि भैया विजय प्रताप को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाना, ताकि वो एक विधायक नहीं एक मंत्री बनकर हमारे बीच में। फरीदाबाद बता दें, जो कार्यक्रम का आयोजक है नितेश भड़ाना एंड उसकी टीम, पहले बीजेपी में थे, लेकिन बीजेपी ने जब कैंडिडेट एक भ्रष्टाचारी, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, कई घोटालों में आरोपी है, FIR हैं, जब उसको चुना तो उन्होंने उसको साथ छोड़ दिया, और विजय प्रताप के समर्थन में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया है। कैलाश विदुड़ी हमारे साथ हैं, कैलाश जी लगातार भाई साहब खड़े हो जाओ, खड़े होकर बात करेंगे। लगातार कई कार्यक्रम में आप मतलब बिल्कुल विजय के कंधे से कंधे मिला के साथ चल रहे हो जी। देखिए अभी चुनाव का माहौल है, और चुनाव की बिहार में जो कैंडिडेट आपको दिखाई दे, चाहे वो पार्टी किसी का भी हो, लेकिन ये दिखाई दे कि ये वाकई में जनता के हितों की बात करने वाला है। हितों की अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में शुद्ध जल, शुद्ध हवा, मुझे लग रहा है स्थानीय मुद्दों से भी ऊपर ना इन दो मुद्दों पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और आप देख रहे होंगे कोई भी प्रत्याशी, शुद्ध जल की आप बात कर रहे हो, सामने सारा पूरा वो पानी का इतना गंदा पानी है, उसमें सीवर है, गंदगी है, मैं उसी की बात कर रहा था। आज की डेट में अगर आप देख रहे हो जितने भी प्रत्याशी है, यही नहीं बड़खल विधानसभा में ही नहीं और किसी भी विधानसभा में उठा लो, कोई भी गंदगी की बात नहीं कर रहा, गंदगी हटाने की, कोई शुद्ध हवा की बात नहीं कर रहा, कोई शुद्ध जल की बात नहीं कर रहा। एकमात्र एक विजय ऐसा कैंडिडेट है जो इन मुद्दों को बिल्कुल हर सभा में उठाता है, जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं। तो ये एक मेन कारण है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जन की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उनका साथ देने के लिए हम खड़े हैं। वकील भी हैं और RTI एक्टिविस्ट भी हैं, आपने कई RTI लगाई हैं जो भ्रष्टाचार को लेकर, अदलखा की जो भ्रष्टाचार को लेकर आपने खुलासा भी क्या है एक बार थोड़ा सा? देखिए अगर बात करी जाए फरीदाबाद की, तो अभी अगर मैं एक छोटी सी बात आपके संज्ञान में और हमारे जो वॉइस ऑफ फरीदाबाद के व्यूवर्स हैं उनकी जानकारी में लाऊं कि अभी कुछ टाइम पहले जो बीजेपी प्रत्याशी है वो लगातार इस भ्रष्टाचार के मुद्दों पे छाए रहे, लोगों ने देखा अखबारों की हेडलाइंस और सुर्खियों में वही रहे। एक बहुत बड़ा जो यहाँ पे घोटाला हुआ, ऐसे काम जो कभी जमीन पे हुए ही नहीं वो कागजों में करके और उनकी पेमेंट रिलीज कर दी गई। अब उनके लिए जिम्मेदार हमारे ये बीजेपी प्रत्याशी क्यों हैं? वो इस वजह से है कि उस टाइम वो फाइनेंस कमेटी में थे, और जब तक कहते कह भी रहे, वीडियो भी आ रहा है कि नगर निगम मेरी मुट्ठी में, वो कहते हैं, बल्कि अगर आप मेरी प्रोफाइल पे देखें तो अभी एक पोस्ट मैंने शेयर की है जिसमें अदलखा जी कह रहे हैं
अदलखा जी आगे बोलते हैं कि जो काम मैंने नगर निगम में पार्षद रहते हुए किए वही मैं विधायक बनते हुए करूंगा। मतलब वो अभी भी खुला चैलेंज कर रहे हैं आमजन को कि भाई भ्रष्टाचार मैंने तब भी किया और मैं फिर करूंगा, आप रोक सको तो रोक लो। तो भैया हम तो ये कह रहे हैं कि हम उन्हें रोकने के लिए कतई तैयार है, वोट की ताकत से और ऐसी चोट मारेंगे कि उन्हें कतई विधानसभा में हम जाने नहीं देंगे, कतई नहीं जाने देंगे। मास्टर जी हमारे साथ, मास्टर जी कैसे हैं? बड़ा अच्छा मन संचालन करते हैं, लोगों को बांध के रखते हैं कई कई घंटों। क्या कहेंगे, मतलब अदलखा को टिकट देकर बीजेपी ने राह आसान कर दी है कांग्रेस? देखिए जी, प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, पर कहते हैं राजनीति में ये बात तो सबको पता है कि चरित्र नहीं, जो लोग सीमा रेखा के साथ जुड़े थे वो भी छोड़कर अब विजय की ओर आए। मैं तभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता होगा, आप पत्रकार हैं, कहते हैं पत्रकारिता में भी जैसे होता है कि इंसान का चरित्र सबसे बड़ी चीज होती है और भ्रष्टाचार आरोप राजनीति में ये इमेज बहुत मैटर करती है। उनकी इमेज में पहले ही आपको पता है कि फार्मेसी के चेयरमैन रहे हैं, वहाँ उन पर आरोप लगते हैं, अखबारों में उनके खिलाफ लाइक आप फोटो देख सकते हैं, उनके पास मतलब ऐसे ऐसे आपको हेडलाइन छपी अखबारों में, खबरें छपी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपके पास सारी चीजें हैं तो आपको पता, जब चरित्र और भ्रष्टाचार को लेके उन पर इस तरीके के आरोप है, उन्होंने काम और जिनकी सभी चाप है, और आपको पता है विजय प्रताप जी एक इस तरीके के नेता हैं, उनके पिताजी का भी बहुत अच्छा अनुभव है, उनके पिताजी ने भी ईमानदारी पे इस देश पे काम किया है, ये हरियाणा में काम किया है, तो चौधरी विजय प्रताप जी तो युवा नेता है। ये फरीदाबाद कुछ ही देर में विजय प्रताप यहाँ पर आने वाले हैं, आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जोड़ेंगे, जैसे वो आएंगे आपको दोबारा जोड़ेंगे, पुनः जोड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।